नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट नेवर वांटेड ए वास्ट एंड यूनाइटेड इंडिया, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी इंडिया को यूनाइटेड होता हुआ देखना नहीं चाहती थी। टू कीप देयर इम्पेरियलिज्म इंटैक्ट, दे ट्राइड टू डिवाइड द इंडियंस विद रेस्पेक्ट टू रिलीजियंस, लैंग्वेज, कास्ट एंड रीजन। और अपना दबदबा इंडिया में बनाए रखने के लिए ब्रिटिश ने हमेशा इंडिया के लोगों के बीच में जो एक यूनिटी था उसको तोड़ने के लिए कभी रिलीजन के नाम पर, कभी लैंग्वेज के नाम पर, कभी कास्ट या फिर कभी रीजन के नाम पर यूनिटी तोड़ने का भरपूर कोशिश ब्रिटिश ने किया। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज ऑल्सो ए बिग वीपन टू क्रिएट कॉम्युनल फीलिंग एमोंग इंडियंस। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल भी एक ब्रिटिश का हथियार ही था कॉम्युनल फीलिंग, जगह के लोगों के बीच में जो यूनिटी था उसको तोड़ने का। टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन टूक ए प्रोग्राम ऑफ लॉन्ग ट्रिप इन फेब्रुवरी 1904। तो 1904 में लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल के फेवर में लोगों का सहमति पाने के लिए 1904 का फेब्रुवरी महीना में एक लॉन्ग ट्रिप का आरंभ किया। इन द प्लेसेस लाइक ढाका, मैमोनसिंह, छत्तग्राम एटसेट्रा ही कैंपेन्ड इन फेवर ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, सेइंग दैट इट वुड बेनिफिट द मुस्लिम पीपल ए लॉट। तो 1904 का फेब्रवरी महीना से लॉर्ड कर्जन ने जब अलग अलग जगह भ्रमण किया तो वो पहुँचे ढाका, मैमोनसिंह, छत्तग्राम, और वहाँ पे उन्होंने कैंपेनिंग करते हुए लोगों को बताया कि जो पार्टीशन होगा बंगाल का उससे मुस्लिम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। On 18th February 1904, he organized a big rally in Dhaka and called the Islamic people for standing unitedly against the Hindus. 18 February 1904 को लॉर्ड कर्जन ने ढाका में रैली करते हुए सभी मुस्लिम लोगों को बोला कि आप लोग एकजुट होइए हिंदू लोगों के खिलाफ में। With the help of Nawab Salimullah Khan, he tried to approach the Muslims of Bengal. तो नवाब सलीमुल्लाह खान का मदद लेते हुए बंगाल के मुस्लिम लोगों से लॉर्ड कर्जन ने संपर्क करने की कोशिश की। For this purpose, he lent ₹14 lakhs to Nawab with minimum interest. तो मुस्लिम लोगों का सपोर्ट पाने के लिए नवाब सलीमुल्लाह खान को लॉर्ड कर्जन ने 14 लाख रुपया उधार दे दी, जिसका इंटरेस्ट जो था बहुत कम था। He also promised to give special facility to the Islam landlords. और लॉर्ड कर्जन ने यह भी कहा था कि अगर पार्टीशन में मुस्लिम लोग सपोर्ट कर देते तो बाद में जाके लैंडलॉर्ड, जितने भी मुस्लिम लैंडलॉर्ड थे उनको बहुत फ़ायदा लॉर्ड कर्जन दिलाएंगे। Many Muslim leaders welcomed this partition of Bengal, और जिसके चलते बहुत मुस्लिम लीडरों ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को सहमति दी। The leaders who had belief in Lord Curzon thought that this proposal of two states would be able to fulfill the aspirations of the Muslim community. और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि लॉर्ड कर्जन के बातों में विश्वास कर रहे थे, उनको ऐसा लगा कि अगर पार्टीशन हुआ तो उन लोगों का जितना भी प्रॉब्लम्स वगैरह थे मुस्लिम लोगों का वो सॉल्व होगा। दे हैड ऑल्सो देयर वेस्टेड इंटरेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन फॉर सेल्फ एस्टैब्लिशमेंट, और मुस्लिम लोग सेल्फ एस्टैब्लिशमेंट का एक जरिया पार्टीशन ऑफ बंगाल को सोच रहे थे। इन दिस वे द ब्रिटिश क्रिएटेड ए डिस्ट्रक्टिव पोलिटिकल मेंटेलिटी इन द मुस्लिम्स, और इसी तरह से ब्रिटिश ने क्या किया, मुस्लिम्स के दिमागों में एक अलग तरीका का पोलिटिकल मेंटेलिटी बना दिया, जिसके चलते क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो यूनिटी था वो धीरे धीरे से कम होने लगा। लॉर्ड मिंटो बिकेम द वायसराय ऑफ इंडिया आफ्टर लॉर्ड कर्जन एंड हिज डिक्लेरेशन ऑन 13th April 1906 इंडिकेटेड सम स्पेशल पोलिटिकल गेंस टू द मुस्लिम सिटीजन्स। तो वायसराय लॉर्ड कर्जन के बाद में नए वायसराय बने लॉर्ड मिंटो, और उन्होंने आते ही 13th April 1906 को कुछ घोषणाएं कर दी जिसमें मुस्लिम लोगों को बहुत सारे फायदा दिखाई दिए। ही मेड एन ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, और उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेरेशन कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था उस समय का उसमें बहुत सारे चेंजेस वो लाएंगे। After this declaration, a section of Muslim leaders were united to discuss on how the interest of Muslims would be protected in the proposed reforms rule. तो जैसे ही लॉर्ड मिंटो ने 13th April 1906 को ऐसा कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें चेंजेस आएंगे जिसके चलते मुस्लिम लोगों को बहुत सारे फ़ायदाएँ होंगे, तो उसको जानने के लिए आखिर क्या क्या फ़ायदा होंगे, तो मुस्लिम लोगों का एक ग्रुप बना और उन्होंने लॉर्ड मिंटो से मिलने की कोशिश की। डिस्कसिंग विद विलियम आर्कबोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ अलीगढ़ कॉलेज, दे प्रिपेयर्ड ए पिटीशन, और विलियम आर्कबोल्ड जो कि उस समय अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल्स थे उनसे डिस्कशन करने के बाद में मुस्लिम लीडर्स ने एक पिटीशन
लिखा लॉर्ड मिंटो को देने के लिए। दे डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स इन द प्रोपोज रिफॉर्म्स। तो उस प्रोपोज रिफॉर्म में या फिर जो पेटिशन उन लोगों ने लिखा था उसमें मुस्लिम लोगों ने एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कोई भी एक कम्युनिटी के लोग ज़्यादा है तो सिर्फ वही कम्युनिटी के लोग ही इलेक्शन में खड़ा भी हो सकते हैं या फिर इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि आमतौर पर क्या होता है, किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी एक खड़ा हो सकता है और कोई भी उसे वोट दे सकते हैं, लेकिन जब वो सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाएगा तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज़्यादा जिस कम्युनिटी के लोग होंगे उसी कम्युनिटी से ही कोई एक इलेक्शन में खड़ा होगा और उसी कम्युनिटी के लोग ही उसको वोट कास्ट करेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। तो मुस्लिम लीडर्स ने क्या किया, एक पेटिशन लिखा लॉर्ड मिंटो के लिए और उसमें उन्होंने डिमांड की कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट की ज़रूरत है। सो ऑन 1 अक्टूबर 1906 अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान ए रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 35 मेंबर्स सबमिटेड द पेटिशन टू लॉर्ड मिंटो एट शिमला। तो 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान के लीडरशिप में कुल 35 लोगों का एक टीम पेटिशन लेके शिमला पहुँचा लॉर्ड मिंटो को देने के लिए। द वायसराय एज्यूर्ड देम दैट द डिमांड वुड बी कंसिडर्ड। तो वायसराय ने उन्हें आश्वासन दी कि आपका डिमांड जो है फुलफिल किया जाएगा। इन सच ए फेवरेबल इन्वायरमेंट ऑफ रॉयल ग्रेस दे डीपली इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग ड्रीम इन टू रियलिटी। और जब वायसराय ने ऐसा आश्वासन उन्हें दिया तो उन्हें अपना जो ड्रीम था सेपरेट इलेक्टोरेट का उससे फुलफिल होता हुआ उन लोगों ने देखा। On 30th December 1906 some educated Muslim leaders attended a meeting at Dhaka Palace। और 30 December 1906 को मुस्लिम के कुछ एडुकेटेड लोगों ने ढाका पैलेस में एक मीटिंग अटेंड किया। दिस मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज बाई नवाब सलीमुल्ला एंड वॉज प्रेसाइडेड बाई नवाब बिकरुल मुलक। तो मीटिंग जो था नवाब सलीमुल्ला ने ऑर्गेनाइज किया था और उस मीटिंग के जो प्रेसिडेंट थे वो थे नवाब बिकरुल मुलक। इन दिस हिस्टोरिक सेशन ए पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज एस्टेब्लिश। तो वहीं पर एक पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। नवाब सलीमुल्लाह हु लेड द क्रिएशन ऑफ मुस्लिम लीग डिक्लेयर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑन दैट डे इट्सेल्फ। और उसी दिन सलीमुल्लाह खान ने नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग का जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव था उसको घोषणा कर दी, जिसमें थे तो मुस्लिम लीग का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे ए टू इंक्रीज द सेंस ऑफ लॉयल्टी ऑफ द मुस्लिम पीपल टू ब्रिटिश। यानी कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव था कि मुस्लिम लोग को वफादार होना ब्रिटिश के प्रति। उसके बाद था टू कीप अवेयर द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिगार्डिंग द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम पीपल। नंबर बी में था ब्रिटिश गवर्नमेंट को आगाह करते रहना कि मुस्लिम पीपल के क्या क्या पॉलिटिकल राइट और इंटरेस्ट है। और नंबर सी में था टू क्रिएट द सेंस ऑफ यूनिटी अमंग मुस्लिम पीपल बाय रिमूविंग फीलिंग्स ऑफ बींग फ्राइटेंड डिस्गस्टेड एंड टेररिस्ट। और तीसरा था सभी मुस्लिम लोगों को यूनाइटेडली रखना। लॉर्ड मिंटो और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस समय के लॉर्ड मॉर्ली बहुत खुश थे मुस्लिम लीग का एक्टिविटीज़ देख के। दिस टू ब्रिटिश ऑफिशियल टूक द अपॉर्चुनिटी ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन एंड ओपिनियन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम फॉर पॉलिटिकल गेन। लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मॉर्ली ने मिलकर हिंदू और मुस्लिम को अलग करने का भरपूर कोशिश किया अपना पॉलिटिकल गेन के लिए। लॉर्ड मिंटो ऑल्सो प्लान टू ब्रिंग द मॉडरेट ग्रुप्स ऑफ कांग्रेस क्लोज टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और लॉर्ड मिंटो ने तो कांग्रेस का जो मॉडरेट ग्रुप के लोग थे उनको भी अपने साइड लाने का कोशिश की। विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द मुस्लिम ओन्ड सेपरेट इलेक्टोरेट थ्रू द इंडियन काउंसिल एक्ट मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स 1909। और मुस्लिम ने जो शिमला में एप्लीकेशन दी थी उनका जो मांग था वो फुलफिल हुआ 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट या फिर मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म के जरिए। द मुस्लिम लीग इमर्ज एज एन एक्टिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ओपोनेंट टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी एबल टू रिप्रेजेंट द इंडियन मुस्लिम्स। और मुस्लिम लीग एक बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना, ये ऐसा पॉलिटिकल पार्टी था जिसने सीधा इंडियन नेशनल कांग्रेस को टक्कर दिया। दिस कुड ईजिली विन द पोलिटिकल राइट्स बाई टेकिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश। और ईजिली जो मुस्लिम लीग था वो पोलिटिकल गेन करने में समर्थ रहा क्योंकि ये बहुत ही ब्रिटिश के प्रति लॉयल था। दिस लीग सून बिकेम ए बिग फोर्स टू वीकन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और मुस्लिम लीग ने बहुत ही जल्द इंडियन नेशनल कांग्रेस को वीक कर दिया। इन March 1910 द हेड ऑफिस ऑफ मुस्लिम लीग वॉज ट्रांसफर्ड टू लखनऊ। और 1910 में मुस्लिम लीग का जो हेड ऑफिस था उसको लखनऊ में ट्रांसफर कर दिया गया। द मुस्लिम लीग कुड नॉट इन्फ्लुएंस एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के हर वर्ग के लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। इट वॉज कन्फाइंड टू सम हाई
क्लास कंजर्वेटिव पीपल, ये जो मुस्लिम लीग था वो सिर्फ हायर क्लासेस ऑफ पीपल के लिए ही था, बाकी छोटे क्लास या फिर कॉमन पीपल के लिए मुस्लिम लीग कोई भी खास काम नहीं कर पाए। एंड व्हेन द प्रपोजल फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रिपील्ड इन 1911 द इम्पोर्टेंस ऑफ मुस्लिम लीग डिक्लाइन। और जब 1911 में फिर से एक बार आंदोलन हुआ कि बंगाल जो था पहले का जैसा रीयूनाइटेड होना चाहिए, तब क्या हुआ, मुस्लिम लीग का जो इम्पोर्टेंस था धीरे धीरे से कमता चला गया। After the demise of Salimullah in 1905, the conservative character of Muslim League went under the tremendous change. और Salimullah Khan जब 1905 में उनका death हुआ, उसके बाद Muslim League में बहुत सारा changes देखने को मिला। तो इसी के साथ ये Muslim League का topic ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपने इसको समझा होगा। Thank you very much for watching our video.